लगे रगरा हमारी परहु सम्मुनत रहो कुआरी। अगर मैं विवाह करूंगी तो नहीं के साथ करूंगी। मैया मैना शादी के लिए तैयार हो जाती है। मैया मैना ने भगवान भोलेनाथ को आरती करके स्वागत करके महलों के बीच बुलाया है और इधर मैया पार्वती हाथों में जयमाला लेकर के आई हैं। सभी देवतागण बड़े ही प्रसन्न हैं। अब भोले बाबा और पार्वती दोनों जने अपने अपने हाथन में और माला पकड़ लियो। सखियां माला ना दे सकती है का पूरी खाए ही आई। आज भगवान के प्रिय भक्तों सभी लोगों के देखते देखते देवतागण बड़े ही प्रसन्न हैं कि आज जिस कार्य के लिए हम सब कितने वर्षों से और तपस्या कर रहे थे आज वो कार्य पूर्ण होने के लिए जा रहा है। आज उसी समय पर भक्तों क्या होता है कि मैया पार्वती ने भोले बाबा को देखो तो बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं और सुंदर हार उसी समय मैया पार्वती ने और भोले बाबा के गले में पहना दिया है। पहराए थे पार्वती बोल मैया पार्वती की जय हो। बोल मैया पार्वती की जय हो। देखो तारे देखो कितनी 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 जोड़े बजाएंगे थक जाएंगे अगर जोड़ से बजाएंगे और अपनों भोपा हो तब देखो कि तब तो बाबा चाचा आशीर्वाद लेवे न यार तो खूब ऐसे नौ नौ मन के ऐसे वहां ढरका भोले बाबा अब तुम पहना दे बोल भगवान भोलेनाथ की जय हो। बोल भगवान भोलेनाथ की जय हो। आज इस प्रकार से और राजा हिमांचल के द्वारे मैया पार्वती और भोले बाबा का अपनों अपनों सब अच्छे लगत हुआ देवी जी और काव को हो तो बहुत बुरो लगत हुआ ना है। हमारी मैया तो बहुत बढ़िया है यहाँ की बहुत अच्छी है। कबो कमा हंस लेती है कबो कमा मुए गारी दे लेती है बहुत बढ़िया है सब जने बैठा ले। आज भगवान भोले बाबा का विवाह होने लगा है। राजा हिमांचल ने बड़ी खुशियों के साथ में और अपनी बेटी पार्वती का हाथ भोले बाबा के हाथों में दिया और विधि विधान के द्वारा अपनी बेटी का तिलक किया है कन्यादान किया है। परीक्षित महाराज और नवलदेव मैया यज्ञ पत्नी यज्ञ पति जी खड़े हो जाओ कन्यादान के लिए बहुत देर।